दोस्तों क्या आप भी इसी तरीके से पैरेलल पार्किंग करना सीखना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है झक्कास। आप कुछ गलती करते हैं जिस वजह से आपको पार्किंग करने में बहुत दिक्कत आती है अपनी गाड़ी को, खास करके ऐसी कंजेस्टेड जगहों पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इतनी परफेक्ट पार्किंग आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक छोड़ के कहीं मत जाइएगा दोस्तों। चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल जिप ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, कभी भी आप पैरेलल पार्किंग जो है वो सीधी तरफ से नहीं कर सकते, यानी कि गाड़ी का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको अगर पहले घुसा देंगे पार्किंग के अंदर तो आप किसी भी सूरत में दोस्तों सीधी गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा के लिए याद रखिए, कभी भी जो आपके आगे वाला हिस्सा है, इंजन वाली साइड है, उसको पार्किंग की खाली जगह में नहीं घुसाना है। उसके लिए अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा करना कैसे है। गाड़ी बैक की सिचुएशन में हमारी जो है इस पार्किंग में आएगी, वो मैं आपको धीरे से समझाऊँगा। एक एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा दोस्तों अपनी गाड़ी को जो साथ वाली आगे वाली गाड़ी खड़ी है उसके बिल्कुल पास ले जाके खड़ी करनी है। तो यहाँ पे जो ORVM है हमारी गाड़ी का, वो साथ वाली गाड़ी के ORVM के बिल्कुल पहले तो सीधाई में लाना है। अगर आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे निकल गया, तो अगर आपको यहाँ से एंगल दिखाता हूँ तो यहाँ से आप देख पाएंगे बिल्कुल जो हमारी गाड़ी का ORVM है वो स्विफ्ट के जो ORVM के बिल्कुल साथ में आ रहा है। यहाँ पे बराबर में ही आ, तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो पूरा लेफ्ट साइड में कट कर देना है और गाड़ी को बैक गियर में डाल के पीछे की तरफ रिवर्स करनी है अपनी गाड़ी। और कहां तक रिवर्स करनी है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मेरी गाड़ी पूरी पीछे तक जा रही है अभी दोस्तों। यहाँ पे मैंने वीडियो बिल्कुल स्लो कर दी है, फ्रेम बाय फ्रेम चल रही है। यहाँ पे आपको देखना है अपनी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड वाली विंडो है, जी हाँ, जो शीशा है, और बाहर जो स्विफ्ट खड़ी है या कोई भी गाड़ी हो उसकी डिग्गी पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे एक S जैसा कुछ लिखा हुआ है जो स्विफ्ट का लोगो है, या ऊपर शीशे के ऊपर उस दूसरी गाड़ी के शीशे के ऊपर देखेंगे तो लाल कलर की हाई माउंट स्टॉप लैंप है। अब इन दोनों चीज़ों को, यानी कि दूसरी गाड़ी के मिडल वाले पार्ट को, अपनी गाड़ी के विंडो के मिडल पार्ट में ये हमारी शो होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो जो S है उस गाड़ी का और जो उस गाड़ी की हमारी जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है या नंबर प्लेट आप कह लो जो बिल्कुल मिडल में है, वो मेरी गाड़ी के विंडो के बिल्कुल मिडल पार्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी की जो विंडो है उसके बिल्कुल मिडल में आप लोगों को दिखाई देंगे। ये बहुत स्लो करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ देख लेना है। जब आपकी गाड़ी आपके स्टीयरिंग पूरा काट दिया है और ये मिडल में आ जाएँ, उसके बाद आपको क्या करना है वो चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी दोस्तों। तब अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है आपको दूसरी साइड कट कर देना है, इस तरीके से पूरा कट करके। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो पूरा कट कर देता हूं मैं और गाड़ी जो है हमारी इजीली अपनी जगह पे, देखिए 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 ध्यान से आ गई है। ये हमारी गाड़ी पार्क हो गई, आगे भी देखिए पीछे से भी देख लो। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां से मैंने गाड़ी को पूरा पीछे की तरफ काट दिया है, फुल स्टीयरिंग काट रखा है। अब मेरी गाड़ी आने लग रही है पीछे की साइड। अब जैसे ही मुझे उस गाड़ी का वो S वाला पार्ट विंडो से दिखाई दिया, मैंने स्टीयरिंग दूसरी साइड पूरा काट दिया है। ये देखिए कितना ईजी है। वो विंडो वाला जो पार्ट है आपको वो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों, उसको बहुत ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। पहले अपनी गाड़ी को पूरा काट दीजिए और फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप इसको एडजस्ट आसानी से इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे जाइए, एक मिनट दो मिनट पीछे जाइए, दोबारा से इस पार्ट को समझिए जो मैंने विंडो वाला पार्ट समझाया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पैरेलल पार्किंग को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट टाइम आप भी इसी तरीके से अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारे चैनल जिप ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ जो बेल आइकन आता है उसको दबा दें ताकि आगे कोई भी नई वीडियो मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पर्सनल सवाल मन में आता है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहां जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।